थैंक यू सो मच. थैंक यू. और साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी आपकी फिल्म के लिए. ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और साथ में सॉन्ग्स भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं. सो कितनी एक्साइटमेंट है अपनी फिल्म को लेकर? एक्साइटमेंट तो है ही. हम दोनों की फर्स्ट फिल्म है सो ऑब्वियसली वी आर वेरी एक्साइटेड एंग्शियस सब कुछ. बट हाँ, ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. जिसने भी देखा है एवरीवन इज लाइक मैसेज मी सेइंग दैट इट लुक्स ग्रेट. सॉन्ग्स को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आई एम गेटिंग लाइक मैसेजेस सेइंग व्हाट सोलफुल सॉन्ग्स. सो या वी आर एक्साइटेड नाउ. बस अब फिल्म की बारी है. आप दोनों से जानना चाहूँगी कि इस फिल्म के पार्ट कैसे मिले? पार्ट कैसे मिले? तो इसके पहले मैंने एक और फिल्म करी है सिद्धार्था, जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है. उसके कुछ रशेज विक्रम सर ने देखे थे, उनको तब मेरा काम बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा था कि हम काम ज़रूर करेंगे साथ. तो जब वो ये स्टोरी लिख रहे थे, शायद उनको कहीं मैं दिमाग में आया, तो उनके कास्टिंग डायरेक्टर ही गॉट इन टच विद मी एंड या उधर ही से दैट्स हाउ आई गॉट इट. मैं विक्रम के साथ एक वेब सीरीज़ कर रही थी विच वॉज फॉर हिज वी बी ऑन द वेब एंड ही वॉज माई को एक्टर इन दैट वेब सीरीज़. तो आई थिंक उसी दौरान यू नो ही मस्ट हैव थॉट दैट माय वर्क वाज गुड एंड फिर बात आगे बढ़ी एंड व्हेन गोस्ट वाज ऑन फ्लॉज आई मीन वाज गोइंग टू गो ऑन फ्लॉज ही हैड अप्रोच मी एंड ही सेड दैट यू नो देयर इज दिस फिल्म एंड वांट टू मेक इट एंड ऐसे हो गया. सो जब ये फिल्म ऑफर किया गया तो सबसे पहला थॉट क्या आया? ऑब्वियसली मैं सबसे पहले स्टोरी के बारे में सोच रही थी बिकॉज फॉर मी इट वॉज ऐसा नहीं था कि मुझे फिल्में करनी थी. आई वॉज डाइंग टू डू अ फिल्म. मुझे काम करना था एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. और जब विक्रम ने यह स्टोरी नरेट किया मुझे, क्योंकि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि यू नो द कॉर्ट वर्सेज सुपर नेचुरल एंड आई एम प्लेइंग अ लॉयर इन द फिल्म. तो जब मैंने पूरा स्टोरी सुना, व्हेन आई हर्ड माई कैरेक्टर विच वॉज सो ब्यूटिफुली रिटन बाई हिम, there was nothing left to say except yes. For me as well, when I read the story, I was really excited because mujhe horror movies bachpan se bahut pasand hai, par iske sath isme kahani bhi bahut achhi hai. There's lots of twists and turns, there's a lot that's happening with the characters that you don't expect. So just to start with a film like this, I was very excited. And then of course to be working with Mr. Vikram Bhatt, with Sanaya. Oh, God, Shivam, I don't think you knew who I was before you signed. Can we just say that I did? Yeah, okay. So I was very excited. अब मैं इसे जानना चाहूँगी, इस फिल्म को लेकर अभी तक का सबसे अच्छा compliment क्या मिला और किसे मिला? Compliment? Yeah. You can go. Okay. So मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्तों ने जब trailer देखा है, they've literally said कि मेरे हाथ से phone गिर गया था और मुझे रात में मतलब मैं सो नहीं पाऊंगी, मतलब क्या दिखा दिया तुमने और मैं नहीं देखने जा रहा मूवी. I was like, thank you so much. देखना तो पड़ेगा, but thank you so much. ट्रेलर या फिल्म? What are you asking? फिल्म फिल्म किसी ने देखी नहीं अभी. फिल्म तो हाँ हाँ मतलब लेकिन यही यू नो लाइक आई मीन यही बेसिकली यही हम दोनों को एवरीवन इज गिविंग दिस रिस्पांस ओनली कि व्हाट अ लवली ट्रेलर, इट वाज सो स्केरी, हम डर गए थे. एंड आई थिंक अगर कोई डर जाए हमारा ट्रेलर देख के, देन वी हैव डन व्हाट वी एम टू डू एंड तो वो हुआ है. पर सबको गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, व्हिच इज आल्सो रियली ग्रेट बिकॉज़ इंडियन सिनेमा लाइक हाफ ऑफ द बैटल इज वन व्हेन योर सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल. राइट. आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी, किस टाइप का रोल प्ले कर रहे हैं आप? डू यू वांट टू बिगिन? श्योर. Would you like to? Oh, okay. I'm playing a character called Karan Khanna. He's a politician. Right. So, my character is very straightforward. Kaafi sulja hua hai. He's focused on winning the elections. That's what he's working towards. But then something unnatural happens with him. And then how he has to deal with it is what builds with my character. I'm playing Simran Singh in the film. She's the lawyer. और लेकिन एक्चुअली आपको फिल्म देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड कैरेक्टर है. शी हैज़ टू मच हैपनिंग इन हर लाइफ. उसके पर्सनल लाइफ में ही वो इतनी चीज़ों के साथ डील कर रही है कि जब ये केस आता है उसके पास, इट जस्ट लाइक इट काइंड ऑफ एड्स एंड वियर्डली सॉल्व्स हर प्रॉब्लम्स. सो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए. लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था बिकॉज इतने कम टाइम में टू बी एबल टू कन्विंस द ऑडियंस कि ये लड़की ऐसी है और फिर आगे भी देखो स्टोरी ऐसी है, तो इट वाज अ लिटिल हार्ड फॉर मी. कितना कुछ प्रिपेयर करना पड़ा, कितनी चैलेंजेस आई इस फिल्म के दौरान?
प्रिपेयर तो नहीं करना पड़ा बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड वेरी फास्ट एक्चुअली. जब फिल्म मुझे ऑफर हुआ था एंड देन विक्रम वॉज ऑलरेडी देयर. विक्रम इनफैक्ट लंडन में ऑलरेडी थे, वो शूटिंग फॉर समथिंग एल्स. साथ में हमारी फिल्म लिख रहे थे तो ज्यादा टाइम नहीं था फॉर प्रेपरेशन. हमारा प्रेपरेशन हुआ व्हेन वी वर लिटरली ऑन सेट्स एंड विक्रम काइंड ऑफ लाइक नर्चर्ड मी इनटू दिस कैरेक्टर ऑफ सिमरन बिकॉज एवरी डे लाइक ही वुड आराम से बैठ के मुझे समझाते थे कि दिस इज व्हाट शी इज थिंकिंग, ऐसा मुझे सीन चाहिए, दिस इज द काइंड ऑफ गर्ल शी इज. सो धीरे 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 मुझे लगे कुछ 10 दिन समझने के लिए व्हाट ही वांट्स फ्रॉम मी एंड दिस कैरेक्टर. बट एक बार समझ में आ गया जस्ट व्हेन आई मीन द फर्स्ट टाइम वी मेट ओनली वाज ऑन सेट. हम लोग साथ में अपना सीन शूट कर रहे थे, वो भी इंटरवल का, काफी इंपॉर्टेंट सीन. राइट, वी वर शूटिंग आवर फर्स्ट सीन वाज द मोस्ट like a very crucial scene in the film or an emotional scene. Emotional scene. Aur mujhe to matlab Vikram ne in fact mujhe kaha bhi tha ki I'm so sorry Sanaya ki ye scene you know you have to do this scene first. I wish I would have eased you into the character thoda samajhti aur fir ye scene aata. But yeah, it was our first day was I think confusion. Yeah that's what so basically was. Our learning was on set, there wasn't much time for preparation. Okay, last day kaisa raha? Last day was mood. By then we were autopilot. Yeah, autopilot mood pe the. It was, I mean, once you know what you're doing, yeah, and you know you're your aware character, and, you know what's happening. Yeah, and you're not worried and you're not freaked out ki main aisa shot do, kaisa shot do. Once you know it, like once Simran Singh was a part of me, then it was a pleasure doing like, you know, scenes, like just, it just happened. Yeah, it flows. Like, aise ho jata tha, pata hi nahi chalta tha, and the scene was over. Vikram sir ke saath kaam karke kaisa raha, kaisa experience tha? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. इनफैक्ट आई फील लाइक आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर डायरेक्टर टू स्टार्ट माय फिल्म करियर विद बिकॉज वो इतने ज्यादा पेशेंट है, इतने ज्यादा काम है एंड वो बहुत ही सेंसिबल बातें करते हैं. लाइक व्हेन ही टेल्स यू अबाउट अ कैरेक्टर यू नो ही जस्ट नोज हाउ टू मैनूवर एन एक्टर. वो समझते हैं कि एन एक्टर सोच क्या रहा है. ही विल टेल यू व्हाट यू आर थिंकिंग बिफोर यू आर थिंकिंग इट. You know, so I couldn't have asked for a better teacher. क्योंकि मेरे लिए मैंने बहुत कुछ सीखा है इस फिल्म के थ्रू. बड़े पर्दे पे काम करना, it's a different ball game. It's not the same as what it is in television. It is different. And Vikram taught me that different, and he taught it to me very calmly and beautifully. So I couldn't have asked for someone better. Yeah, I think it was just very enriching because he was coming from so much experience. He's been in the industry for so many years. He's made some amazing films. तो आपको इतने कई नजरिए हैं जो हम सोच नहीं सकते जो वो दिखा सकते थे और उसकी वजह से हमें सीखने को मिले. सो इट वाज या सो आई थिंक दैट वाज इट. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर. आप लोग दोनों का ये फर्स्ट मूवी है, सो कैसा मतलब कितना चैलेंजिंग रहा है, ये जानना चाहूंगी. शूट करने में चैलेंजिंग तो नहीं, शुरुआत के जैसे इनने कहा द फर्स्ट फ्यू डेज जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू वाज अ बिट चैलेंजिंग. उसके बाद इट वाजंट रियली. हाँ, इनिशियली चैलेंजिंग था. मुझे तो बहुत ही ज्यादा इनिशियली चैलेंजिंग लगा था बिकॉज लाइक सी हिज कैरेक्टर इज स्टिल इट्स अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर. एक है उसके, एक इंसान है, ऐसा है, उसके साथ ये हुआ है. बट माय कैरेक्टर इज लाइक ये लड़की है, इसके साथ ये हुआ है, पर ये सोचती है और वो ये करती है और फिर ये आ गया है और फिर भूत आ गया है. इट्स लाइक हाउ डू यू सो मेनी थिंग्स एक साथ. तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इनिशियली बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था. बट लाइक आई सेड कि विक्रम वाज देयर टू गाइड मी थ्रू इट. सो आप टीवी कर चुकी है, फिर फिल्म ये पहली है आपकी, जी कितना इंटरेस्टिंग रहा ये? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट जब मैं टीवी करती थी तो आई नेवर रियली थॉट कि मुझे फिल्में करनी है. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. एज एन एक्टर मुझे कभी लगा नहीं कि यार नहीं टीवी करके वो नहीं मिल रहा जो फिल्म करके मिलेगा. बट अब जो मैंने फिल्म की है आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज मिसिंग आउट ऑन. ये इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट एक्टिंग गेम ऑल टुगेदर. एंड अभी तो मतलब मैं लिटरली आई एम अ बेबी नाउ. आई फील लाइक अभी तो शुरू किया है मैंने ये. देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. ऑल काइंड्स आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू एनीथिंग. Any kind of role. Like, there are so many good actors, oh my god, in our industry. There is, so many. Imran Khan, Nawazuddin, Ayushman, Vicky, Rajkumar Rao, Ranbir Kapoor is so good, Ranveer Singh is so good. Oh my god, I can name so many actors. These guys are so talented. I would love to work with all of them. The question is,
do they want to work with me? Same cheese? Yeah. Yeah, exactly what Which she said. Which actresses do you want? No, I think she'd like to start with the film. Like, what kind of films do I want to do? Honestly, considering it is my first film too, I am very open to trying different things. Like, I would love to do, say, a romantic comedy or just a love story maybe, or an action film, or horror to ho gaya, par ek aur horror, anything really. Till the subject is good and I connect with the film, I would love to do it. Or actress? Or actress? Sirf Sanaya. Ah, bahut ji. Yeah. Director? Yeah. Directors ki bahut lambi list hai. But I think Zoya Akhtar is making some beautiful films. You stole my director. You stole her. She's can be making beautiful films for both of us. Okay, yeah. Okay. And but I want to work for her. You work at the first na Shivam ho gaya kaam. I'm telling you ho gaya kaam. Mera Zoya is going on coming in my head again. Even Farhan is a fab director. I think Anurag Basu is great. Kashyap is great. Imtiaz Ali. So many, yeah. I don't know. Actually, I think these days there's just such great content being made and everyone is experimenting, trying different things. And yeah. I would just love to do a different kind of project, you know, which is exciting and different from the rest that's coming out. So, if it's a great director as well, that'll just be a bonus. आज के वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया बहुत ही पावरफुल हो चुकी है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी है, सो आप लोग देखने वाले हैं? कहाँ? On web series and stuff? मतलब web shows. Definitely, definitely. Yes, of course. बहुत बढ़िया content है and the platforms are huge and there's so many. Netflix, Amazon, here we come. आपके upcoming projects के बारे में जानना चाहूँगी और क्या कुछ आने वाले? बताइए सर, आपने तो 4 फिल्में साइन कर ली है already. नहीं, मेरी कुछ फिल्मों की बातें हो रही हैं but कुछ भी साइन नहीं किया अभी मैंने. मैं तो ऐसे ही खाली बैठा हूँ, आप बताइए. बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते साथ ही खाते, आप बताइए. मेरी कोई बात नहीं चल रही है. आई एम आउट ऑफ वर्क एक्टर. ऑल ऑसम डायरेक्टर्स हियर, लुक एट मी. सनाया वांट्स टू वर्क इन गुड मूवीज, गुड वर्क, कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम कॉमेडी टू डांसिंग to emotional scenes. I'm doing a Joey right now. I'll do it all for all of you. There you go. And lastly, आप अपने fans को क्या बोलना चाहेंगे? कि हमारी पहली movie आ रही है 6 दिनों में. All my fans, all my viewers, you guys have loved me so much. I have received so much love from you guys. So just please keep the love pouring in when Ghost releases on the 18th of October. I would love to know what you guys thought of the film, and you all know how you all can tell me that through social media. But yeah, go watch it. Go watch it. Don't watch it alone. Yeah. Take a bunch of people and watch it. Take your family, take your friends, take your neighbors, take everybody you know. और मैं हर किस्म की acting कर सकती हूँ film में. मैं comedy भी कर सकती हूँ, dance भी कर सकती हूँ. Sadly, इसमें comedy नहीं मिलेगी और शायद dance भी ना मिले, लेकिन movie जरूर देखिएगा आप. Thank you. Thank you. Thank you.